अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म फिल्लौरी में नजर आने वाला पंजाबी मुंडा दिलजीत दोसांझ अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म कर रहे हैं, जिसे करण जौहर और सलमान खान प्रोड्यूस करने वाले हैं। खबरें तो ऐसी ही आ रही थी। अब इन खबरों पर दिलजीत ने भी दिया है अपना बयान। सच ये है कि दिलजीत अक्षय सलमान और करण के इस प्रोजेक्ट में है ही नहीं। सुना था बैटल ऑफ सरागढ़ी पर आधारित इस फिल्म में अक्षय के साथ दिलजीत भी दिखाई देने वाले हैं, जिसे पंजाबी डायरेक्टर अनुराग सिंह डायरेक्ट करेंगे। दिलजीत ने एक बातचीत में बताया कि यह सभी रिपोर्ट्स गलत हैं। मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं हूं। यह एक बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मैं इस फिल्म में नहीं हूं। मगर हां, अनुराग के लिए मैं बहुत खुश हूं। अब सब क्लियर हो गया है। आपको बता दें कि दिलजीत और अनुराग ने एक साथ 4 सक्सेसफुल फिल्में की हैं, जट एंड जूलियट, जट एंड जूलियट 2, डिस्को सिंह और पंजाब 1984। सुना है दिलजीत अनुष्का के साथ फिल्लौरी के बाद उनकी प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म कनाडा में भी नजर आएंगे। हालांकि जब इस बारे में दिलजीत से पूछा गया तो उन्होंने दिया कंफ्यूजन से भरा जवाब। उन्होंने न तो हाँ कहा और ना ही ना। दिलजीत फिलहाल सिर्फ फिल्लौरी की बात करना चाहते हैं, जो 24 मार्च को रिलीज होगी। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।